सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रोपोजो ऐप की, जो कि आजकल काफ़ी फेमस हो रहा है टिकटॉक बैन के बाद। जैसा कि आप सब जानते हो, टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है, जिसकी वजह से सारे टिकटॉक क्रिएटर्स कन्फ्यूज है कि वो वीडियो कहाँ जाके बनाएं। इसी वजह से रोपोजो काफ़ी फेमस हो रहा है, क्योंकि ये इंडिया का ऐप है, आप इसे इंडिया का टिकटॉक भी कह सकते हो। इसी तरह आप इसमें भी शॉर्ट वीडियोज बना सकते हो, जिस तरह आप कभी टिकटॉक में बनाया करते थे। लेकिन टिकटॉक बैन होने की वजह से जितने भी क्रिएटर थे वो रोपोजो ऐप की तरफ शिफ्ट हो गए, और रोपोजो ऐप पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आने लगा। और रोपोजो एक न्यू इंडियन ऐप था, जिसकी वजह से वो इतना ट्रैफिक झेल नहीं पाया। और आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि रोपोजो ऐप में लॉगिन नहीं कर पा रहे, उनको लॉगिन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सो मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, जिसकी मदद से आप आराम से रोपोजो ऐप में लॉगिन कर पाओगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने रोपोजो ऐप खोल लिया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंडिया का अपना वीडियो ऐप। सो काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो अपना नंबर तो यहाँ पे डाल रहे हैं, लेकिन उनके पास OTP नहीं पहुँच पा रहा है, इस वजह से वो रोपोजो ऐप में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। सो इसका सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दें, तो आपको करना है कि आपको रोपोजो ऐप को बंद करना है और प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर चेक करना है आपको कि आपका रोपोजो ऐप जो है अपडेटेड है कि नहीं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं मेरा रोपोजो ऐप बिल्कुल अपडेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको मोर सेटिंग में जाना है, सब में अलग अलग होता है, अपने में चेक कर लीजिएगा क्या सिस्टम है। यहाँ पे आपको ऐप मैनेजर में जाना है, आपको फिर सर्च करना है रोपोजो, तो खुल जाने देते हैं, लोडिंग हो रही है। सो ऐप मैनेजर में आपको रोपोजो ऐप को सर्च करना है, कहाँ गया रोपोजो, रोपोजो ढूंढ लेते हैं, रोपोजो मिल गया हमें। तो यहाँ पे आपको स्टोरेज में जाना है, स्टोरेज में आप क्लियर कैच कर लेना है, आपका जितना भी कैच हो क्लियर हो जाएगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्लियर डेटा भी कर लेंगे। अगर क्लियर डेटा भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका नया नया ऐप है तो आप में कोई डेटा है नहीं, तो क्लियर डेटा भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लियर डेटा यहाँ पे हो गया, आप चेक कर लेते हैं ऐप में लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ लॉगिन हो रहा होगा कि नहीं। सो देखिए, रोपोजो ऐप हमने खोल लिया है, तो यहाँ पे हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश, इंग्लिश पे टिक कर देते हैं। अब जो है हमारे पास नंबर लिखने को आएगा, तो मैं नंबर लिख देता हूँ और सेंड OTP कर देता हूँ, देखते हैं OTP आता है कि नहीं आता है। सो मैंने OTP सेंड कर दिया अपने नंबर पर, अब देखते हैं OTP आता है कि नहीं आता है। अगर OTP आ गया तो आपका आराम से लॉगिन हो जाएगा, जो मेथड मैंने आपको बताया। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे मोबाइल पे OTP आ चुका है, तो यहाँ पे हमें क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम फुल नेम डाल लेते हैं, और फिर हमारी एज भी, जो भी आपकी एज हो डाल लीजिएगा, तो मैं 20 डाल देता हूँ। फिर आपका जो भी जेंडर हो, मेल फीमेल अदर्स, तो मेल पे कर देते हैं, साइनअप कर लेते हैं। सो यहाँ से आप इजीली साइनअप कर लोगे। आप देख सकते हैं मेरा ओपोजो ऐप खुल चुका है, आपको जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। सो अगर आपको भी रोपोजो ऐप में लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ इस मेथड को अप्लाई करिए, आपका आराम से लॉगिन हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगर आप भी रोपोजो ऐप में फेमस होना चाहते हो और अपना नाम कमाना चाहते हो, तो अच्छी अच्छी वीडियोस बनाइए और फटाफट जाके लॉगिन कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाया करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।